अब कंट्रोल पैनल को विंडोज एक्सपी में किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी प्रकार की सेटिंग को कर सकें, उसके लिए हमको कंट्रोल पैनल कैसे ओपन करना है, स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट बटन में ही दाईं ओर की पट्टी में कंट्रोल पैनल विकल्प आपको दिया गया है, इससे कंट्रोल पैनल की विंडो ओपन हो जाएगी। और कंट्रोल पैनल की विंडो किस प्रकार से दिखाई देगी इस चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हो। अब विंडोज एक्सपी में देखेंगे कंट्रोल पैनल कैसे ओपन करेंगे। स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करना है, स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करने के बाद ये दिया गया है आपको कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल मतलब जैसे मोबाइल में एक सेटिंग ऑप्शन होता है जिसमें क्या कर सकते हैं अपन पूरे मोबाइल की सेटिंग कर सकते हैं, फ़ोन की सेटिंग, कॉल सेटिंग, है ना, अलार्म सेट कर सकते हैं। तो वैसी सारी चीज़ें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कार्य करते समय सारी सेटिंग से संबंधित कार्य किस में होंगे, कंट्रोल पैनल से होंगे। तो कंट्रोल पैनल ऑप्शन को ओपन करने के लिए इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखो कंट्रोल पैनल की विंडो जो है वो यहाँ पर आ जाएगी और इसी का चित्र भी नोट्स में दिया गया है। अब यहाँ पर आपके विंडोज़ एक्सपी में सेटिंग से संबंधित सभी अलग अलग आइकॉन्स दिए गए हैं। इन्हीं आइकॉन्स का अलग अलग इस्तेमाल है, अलग अलग उपयोग है, जिसके द्वारा हम अपने विंडोज़ एक्सपी में अलग अलग तरह की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो विंडोज़ के आपको आइकॉन दिख रहे हैं इन आइकॉन को आप जो है वो अलग अलग रूप में भी देख सकते हो। यहाँ से जाके आप थंबनेल्स करके भी देख सकते हो, इससे थोड़ा सा साइज इसका बड़ा होकर के दिखाई देगा। आइकॉन में आपको इस प्रकार से छोटे आकार में दिखाई देगा, लिस्ट में आपको सारे लिस्ट के रूप में दिखाई देंगे और डिटेल्स में आपको सारे डिटेल्स भी उसकी दिखाई दे जाएगी कि किसका क्या यूज़ है, मतलब वो ऑप्शन और उससे रिलेटेड कमेंट भी आपको मिलेगा कि वो आखिर ऑप्शन का इस्तेमाल क्या है। अभी इसको हम थंबनेल्स व्यू में ही लेकर के आ जाते हैं। अभी हमको पहला सीखना है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना। तो कंट्रोल पैनल के द्वारा अपने कंप्यूटर में नए प्रोग्राम कैसे इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में समझते हैं, या इंस्टॉलिंग न्यू प्रोग्राम्स, नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, इंस्टॉलिंग न्यू प्रोग्राम्स। तो कंट्रोल पैनल में नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की आवश्यकता या विंडोज़ में नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब भी हम अपने कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देती हैं, जैसे ये सारे आइकॉन, माय डॉक्यूमेंट, माय कंप्यूटर, माय नेटवर्क प्लेस, रिसाइकिल बिन। लेकिन यदि इसके अलावा भी आपको कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम्स चलाने हैं, उदाहरण के लिए आपको एमएस ऑफिस चलाना है, तो ये देखो एमएस ऑफिस अभी यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि एमएस ऑफिस को हमने इंस्टॉल कर चुके हैं। तो जब आप विंडोज़ एक्सपी बस केवल इंस्टॉल करोगे तो एमएस ऑफिस आपको स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर मान लीजिए हमको जावा का प्रोग्राम, जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो ये हमने अलग से इंस्टॉल किया है। तो बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको आपको विंडोज़ इंस्टॉल करने के बाद अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल में होता, अपन मोबाइल खरीद के लेकर के आते हैं और मोबाइल में जो है सभी प्रकार के गेम्स नहीं मिलेंगे हमको, सभी प्रकार के एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे। जैसे जैसी हमारी ज़रूरत होती है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, वैसे मोबाइल में हम अपने लिए नए गेम इंस्टॉल कर लेते हैं या कोई भी नया एप्लीकेशन अलग से इंस्टॉल करते हैं। तो वैसे ही विंडोज़ में कैसे नया प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में हमको यहाँ पर देखना है। तो विंडोज़ में नया प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल में। कहाँ से ओपन किया कंट्रोल पैनल, स्टार्ट में गए और कंट्रोल पैनल को क्लिक किया, कंट्रोल पैनल की विंडो स्क्रीन पर इस प्रकार से दिखाई देगी। इसमें नया प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए जाना है हमको ऑप्शन ऐड और रिमूव प्रोग्राम ऑप्शन पर, ये दिया गया है। इसके द्वारा ही हम अपने विंडोज़ एक्सपी में नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। अब इसके लिए हमको इस पर डबल क्लिक करना है, ये देखो ये ऐड एंड रिमूव की विंडो स्क्रीन पर इस प्रकार से आ जाएगी। यहाँ पर ये सारे प्रोग्राम्स वे प्रोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं जो पहले से विंडोज़ एक्सपी में इंस्टॉल हैं। तो ये जो लिस्ट दिखाई दे रही है सारे प्री डिफाइंड, मतलब जो पहले से हमारे कंप्यूटर में लोड हैं, वो सारे प्रोग्राम की लिस्ट जो है वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यदि हमको नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, अभी हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं देख रहे थे विंडोज़ एक्सपी में नया प्रोग्राम किस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे,
उसके लिए हमको जाना है यहाँ पर ऐड न्यू प्रोग्राम्स ऑप्शन पर। तो जैसे ही हम ऐड न्यू प्रोग्राम्स ऑप्शन में क्लिक करेंगे, देखो विंडो के ऑप्शन यहाँ पर बदल जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सिलेक्ट रहता है? ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट रहता है, चेंज और रिमूव प्रोग्राम्स। अगर हमको नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो किस में क्लिक करेंगे? ऐड न्यू प्रोग्राम्स ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब यदि आपको नए प्रोग्राम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए एक बटन यहाँ पर बनी हुई है जिसका नाम है सीडी और फ्लॉपी। मतलब जो प्रोग्राम आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे हम एमएस ऑफिस ही इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास प्रोग्राम सीडी या फ्लॉपी या पेन ड्राइव में हमारे पास होना चाहिए, तब तो उसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो मान लीजिए वो प्रोग्राम हमारे पास सीडी और फ्लॉपी में है, अब उसे हमें अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए ये बटन का हम इस्तेमाल करेंगे। देखो जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल प्रोग्राम्स फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क और सीडी रोम। सीडी के द्वारा या फ्लॉपी डिस्क के द्वारा आप प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। उसके बाद हमको चुनना है नेक्स्ट बटन पर। जैसे ही नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा ब्राउज़। मतलब आप जिस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी फाइल को, सेटअप फाइल को सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से हमने क्लिक किया किस में? ब्राउज़ बटन पर। जैसे ही हम ब्राउज़ बटन में क्लिक करेंगे तो ये देखो फाइल्स को ढूंढने के लिए ऑप्शन आ गया। हम चले जाते हैं माय कंप्यूटर में, तो माय कंप्यूटर में जो सीडी अगर आपने लगाई है या फ्लॉपी लगाई है उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जिस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं वो हमने सीडी ड्राइव में लगाया है या फ्लॉपी ड्राइव में लगाया है या पेन ड्राइव में लगाया है, तो वो सारे ऑप्शन कहाँ दिखाई देंगे? माय कंप्यूटर में। अब आपका सॉफ्टवेयर यदि सीडी ड्राइव में है तो सीडी ड्राइव को डबल क्लिक कर लो। अब यदि आपका सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में है तो पेन ड्राइव वाले ऑप्शन को क्लिक कर लो। अभी यहाँ हमने पेन ड्राइव लगाई नहीं है, इसी कारण से दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपका सॉफ्टवेयर किसी ड्राइव में भी आपने कॉपी करके रखा हुआ है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद उसकी जो है, सेलेक्ट करने के बाद उसकी सेटअप फाइल को हमको सेलेक्ट करना होगा। और सेटअप फाइल को सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर क्लिक करना है ओपन बटन पर। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पर टीम व्यूवर अगर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ये देखो सेटअप डॉट ई एक्स ई, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उस इंस्टॉल होने वाले सॉफ्टवेयर की फाइल किस प्रकार से होती है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट ई एक्स ई। अगर एमएस ऑफिस भी आप इंस्टॉल करोगे तो उसकी भी एक सेटअप फाइल आपको ढूंढ के सिलेक्ट करनी पड़ेगी और उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट ई एक्स ई। जैसे एक सॉफ्टवेयर को उदाहरण है, यहाँ पर अपन ने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब अपन यहाँ से ओपन कर देंगे और फिनिश करेंगे तो आप देखोगे कि ये सॉफ्टवेयर, ये देखो ये सॉफ्टवेयर जो है इसका सेटअप जो है चलना स्टार्ट हो गया। अब इसमें जो भी ऑप्शंस आते जाते हैं उस ऑप्शंस को पढ़ते हुए उस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेन हमको यहाँ पर क्या देखना है कि विंडोज़ एक्सपी में अगर हमको कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, ऐड एंड रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद हम नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऐड न्यू प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है, उसके बाद सीडी और फ्लॉपी ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, फिर ब्राउज बटन पर क्लिक करना है, और उस सॉफ्टवेयर को जो हो सकता है सीडी में हो, फ्लॉपी में हो, पेन ड्राइव में हो, उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसकी सेटअप फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। और सेटअप फाइल को सिलेक्ट करने के बाद हमको क्लिक कर देना है ओपन बटन पर, जिसके बाद उस सॉफ्टवेयर का सेटअप चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब सॉफ्टवेयर को बड़े आसानी से कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सीखा कि कंट्रोल पैनल के द्वारा किस प्रकार से किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर वही स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये चित्र भी बना हुआ है कि कैसे हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। अगला दिया गया है स्थापित प्रोग्राम को हटाना, रिमूविंग इंस्टॉल्ड प्रोग्राम। अब यदि आप सॉफ्टवेयर को हटाना चाहते हैं, अभी हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, अब यदि हम चाहते हैं सॉफ्टवेयर को हटाना, रिमूव करना, तो रिमूव करने के लिए भी हमको कंट्रोल पैनल ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए स्टार्ट बटन में क्लिक करना है,
कंट्रोल पैनल में जाना है और सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए भी हमको ऐड एंड रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका ऐड एंड रिमूव की विंडो ओपन हो जाएगी। अब जिस भी सॉफ्टवेयर को आप हटाना चाहते हो, हटाने के लिए आपको करना ये है, उस सॉफ्टवेयर को आपको सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो रिमूव बटन दिखाई दे रही है इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका रिमूव हो जाएगा। हमको ये ध्यान रखना है कि अपन को प्रैक्टिस करते समय कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर को रिमूव नहीं कर देना है जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, नहीं तो फिर से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर केवल आपको रिमूव कैसे किया जाता है ये बताया जा रहा है, और जब आप प्रैक्टिस इसकी करके देखें तो आपको किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉफ्टवेयर को रिमूव करने के लिए हमको इसी प्रकार से कंट्रोल पैनल में जाना है, उसके बाद ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम में जाना है, और जिस भी प्रोग्राम को आप रिमूव करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो और उसके बाद रिमूव बटन पर क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर से रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद यदि उसका कोई आइकॉन है तो वो भी हट जाएगा डेस्कटॉप से, और या स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम्स में अगर उसकी कहीं एंट्री दिखाई दे रही है तो वो भी आपका कंप्यूटर से हट जाएगा। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीखी कि विंडोज एक्सपी में कैसे नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे, कौन से ऑप्शन को ओपन किया जाएगा, और दूसरी चीज़ हमने सीखी सॉफ्टवेयर को कैसे रिमूव किया जाता है कंप्यूटर से।